जय हिंद सभी को। सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम सब ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो किस तरीके से एग्ज़ाम को करना है, कैसे कैसे जो है कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, किस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम की, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना आप लोग शुरू से एंड तक, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हम जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके अंदर करना क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कैसे जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से करना है उनको, ठीक है ना। वो सारा हम अपनी स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर देखेंगे किस तरीके से जो है करना है क्वेश्चन। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो है ईमेल करने का तरीका, मेमो करने का तरीका और जो है एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन जो ऑप्शन बी में जो आता है क्वेश्चन, वो आप लोगों को बताऊंगा। रिपोर्ट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। तो जो इंग्लिश का पेपर है उसमें इंग्लिश एग्जाम के अंदर दो आपके जो है सेक्शन बनेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही करना है, 85 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर सेक्शन जो बी है उसमें ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होंगे आपको मिलेंगे अभी, जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ी देर में, सारी चीज़ आप लोग को समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बस बने रहना वीडियो के साथ आप लोग। और सेक्शन बी जो होगा उसमें दो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ऑप्शन टू करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन ऑप्शन टू मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताऊँगा किससे जो है बढ़िया आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बात सेवन में, तो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके जो है सारी चीज़ें समझेंगे। तो आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर सारी चीज़ें मैं आप लोग को समझाऊंगा एक एक करके, और उनकी पिक्चर्स आप लोग को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, बस बातों को ढंग से समझना है। और पॉलिटिकल और हिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा गया, उन्होंने थैंक्स बोला मुझे, तो इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि क्वेश्चन जो मैंने मैराथन वाली में करवाया था उसमें ज़्यादातर पूछे गए थे, और जो वीडियोज़ मेरी चैप्टर वाइज अपलोड हुई हैं उन चैप्टर से भी जो है सारी चीज़ें आप लोग को मिली हैं। दूसरी बात मैं आप लोग को ये बता दूं कि जिन, जैसे अभी तक मेरा मैंने चैनल के ऊपर हिस्ट्री के सॉरी इंग्लिश के जो हैं वो चैप्टर सारे अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि नया चैनल था, आप लोग भी जानते हैं, अभी बहुत सारे, अभी पॉलिटिकल का सिलेबस बढ़िया तरीके से करवा दिया, हिस्ट्री का करवा दिया, अब ये जो इंग्लिश का है तो इंग्लिश का भी करवा दूंगा मैं। बस इसलिए देखिए क्या होगा कि जैसे इंग्लिश के आपको स्टोरी समझनी होगी सारी, तो जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं बच्चे मैं उनके पास सारी स्टोरी भेज दूंगा, हिंदी में चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और हिंदी में सारी स्टोरी आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग बढ़िया तरीके से स्टोरी अगर समझ जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पैसेज क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर जो आपको चैप्टर के अंदर से ही आएंगे, आपको पता होना चाहिए। जब चैप्टर समझोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे जो है इनकी पीडीएफ मांग लेना, वो मैं आप लोग को दे दूंगा इंग्लिश का पूरा पीडीएफ, आप लोग उसमें हिंदी सारा पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्टोरी, फिर आप इंग्लिश में उसको बनाकर कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस कितने मार्क्स का जो है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए अपने स्क्रीन पर और बढ़िया तरीके से समझिए, और चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। बस प्यार अपना बनाए रखें सेवन क्लास के साथ और सपोर्ट करते रहें, जिससे कि फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको अपना जो स्क्रीन, अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंग्लिश का जो हमारा क्वेश्चन पेपर शुरुआती पेज किस तरीके का होगा, इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा किस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को करवाऊँगा बढ़िया तरीके से, बस आप लोग वीडियो के साथ जो है बने रहें, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले देखिए इंग्लिश का आपको जो है पेज दिख जाएगा किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले इसके अंदर जो है 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ए और बी सेक्शन दे रखा है आप लोग को, और इसके अंदर जो है सबसे जो ए है वो कंपलसरी है, आपको करना ही है, और सेक्शन बी जो है वो आपको जो है उसमें कंडीशन दी गई है, आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे, ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन और बी। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो सबसे ऊपर ऑप्शन वन या ऑप्शन सेकंड, वो तो चलिए बात की बात है, सबसे पहले सेक्शन ए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए लिख देना आपने जो है इस सीट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो देखिए अपने स्क्रीन पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज ही दिए हुए हैं ये सारे, आप लोग को याद रख लेना है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो क्या है,
कि क्वेश्चन वन के अंदर जो है तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको तीनों में से एक करना होगा। तो इसमें आप पहला कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, या बी कर लेना आपको अच्छा लगता हो, या सी कर लेना, और करके दिया रहेगा। तो आपको जो चैप्टर अच्छे से याद होगा आप उसके क्वेश्चन आंसर जो है पैसेज पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वाला दे रखा है कि माय ग्रैंडफादर स्पीक्स, जो एक बच्चा था जो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मेरा जो, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली वो दिखाना चाहता है। जैसे ए वाला, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है कि पापा माय ग्रैंडफादर स्पीक्स ऑफ अ केयर फ्री एंड ब्यूटिफुल चाइल्डहुड ऑफ डेज स्पेंट इन प्लकिंग मैंगोज। यानी देखो, आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा जो बच्चा अपने फादर से लेटर के थ्रू बात करता है, और इसमें ये बताता है कि कैसे कैसे जो है ग्रैंडफादर ने, ग्रैंड मदर ने किस तरीके से अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली जिया है, मजे के साथ जिया है और विदाउट स्ट्रेस। आज वो इतने साल के हो गए लेकिन उनको कोई भी स्ट्रेस नहीं है। और दूसरी बात हम ये देखते हैं, इसमें अपनी दादी की भी कहानी बताता है, फिर अपनी मम्मी की भी कहानी बताता है। बोलता है कि मम्मी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जो है आज इतनी ज़्यादा टेंशन से भरी रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पढ़ना लिखना छोड़ दो, बस पढ़ना लिखना मत छोड़ना, बस ये क्या है कि प्रैक्टिकली भी आप लोग को सारी चीज़ें जो है लाइफ के अंदर आनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ए करके आप लोग को दिया रहेगा, उसके नीचे जो है चार क्वेश्चन दिए रहेंगे, पाँच नंबर का है ये पैसेज। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का? पाँच नंबर का, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए, तो सबसे पहले आपको व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ओल्ड डेज, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, देखिए पैसेज में से आप ये मत सोचना कि आंसर पैसेज में से ही कर लूँ, आंसर कभी नहीं मिलता पैसेज में, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको चैप्टर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो होगा पैसेज के ऊपर, पैसेज दिया रहेगा लेकिन वो चैप्टर से ही दिया रहेगा, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, चैप्टर से ही दिया रहेगा। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको बढ़िया तरीके से वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसमें तीन ऑप्शन रहेंगे, और करके दिया रहेगा, पहला ए दे रखा रहेगा, बी दिया होगा, ठीक है। और मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको जो पहला पैसेज है उसका जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसका आंसर भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आंसर भी दे रखा है मैंने, वो आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद जो है आपका सेकंड जो पैसेज दिया रहेगा, फर्स्ट में ही जो है पैसेज दिया रहेगा, तीन चैप्टर से रिलेटेड होगा, आपको एक ही करना होगा उनमें से, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, तीनों जो है पांच नंबर के होंगे, आप लोग को देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं, आप लोग इसमें से जो है बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। और तीसरा वाला जो है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है, तीसरा कैसे पैसेज बनेगा, ठीक है, वो आपके चैप्टर से ही होगा सारा, जिसने चैप्टर पढ़ रखा होगा वो आप लोग को बढ़िया तरीके से नज़र में आ जाएगा। आगे बात समझ में। देखिए भोली वाला है, तीसरा तो आपने पढ़ा होगा भोली वाला चैप्टर, ठीक है, तो भोली वाला आप लोग याद रखिएगा। जिनने चैप्टर नहीं पढ़ रखा वो व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए, और चैनल के अबाउट में मैंने नंबर दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर नंबर लें और जल्दी जल्दी जुड़ें, और जल्दी जल्दी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप अपनी तैयारी पूरी कर लेना। पहला जो है आपका हो गया, ये कितने नंबर का था पहला? पाँच नंबर का, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आपका पाँच नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है आपको छः मार्क्स का, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। जिसने चैप्टर पढ़ रखा होगा उसको क्वेश्चन आंसर बना लेगा वो आराम से, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर टू है ना आपका, जितने भी इसमें आपको जो है पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें आपको जो है चैनल बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम भी दे रखा है। जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आई मस्ट नो द ट्रूथ से, और ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, इस पर आपको आंसर देना है। जैसे पहला है पहला दे रखा है इसमें दूसरे क्वेश्चन का, हाउ डिड आराधना रिएक्ट टू द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट सी वॉज एन अडॉप्टेड गर्ल, वाई डिड सी बिहेव इन दैट मैनर। यानी कि ये उस वाले चैप्टर से है जब आराधना और जो उसकी सिस्टर जो है ये आराधना डांस करने के लिए जा रही होती है, तो किस तरीके से जो है मतलब अडॉप्टेड होती है, उसकी मम्मी को उसकी आंटी भड़का दे, मतलब आराधना को जो है भड़का दिया जाता है उसकी आंटी के द्वारा, तो उसकी दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, फिर वो स्टेज पर जाती है डांस करती है। ये वाला जो चैप्टर है आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है वो छः मार्क्स का होगा आपका। देखिए ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर वाइज हैं सब, ठीक है, चैप्टर वाइज हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लेंगे आप तो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो और तुरंत जो है पीडीएफ ले लो इसकी, ठीक है। चलिए बाकी
आने वाले टाइम पे मैं सारे चैप्टर अपलोड ही कर दूंगा, फिर उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, ठीक है, तो आपने जैसा देख लिया, दूसरा क्वेश्चन हमारा था 6 मार्क्स का, आपको कितने करने थे इसमें, जो है 6 मार्क्स का आपका आंसर था, इसको 60 वर्ड में देना है, आपको चैप्टर का नाम दे देगा, आपको उसके ऊपर जो है 60 वर्ड में जो है ये लाइनें लिख देनी है। आगे बात समझ में, ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया तरीके से रेडी रखें अपनी, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि इसमें आपको बताना है, 3 जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, आंसर देने हैं, चार आपको दिया रहेगा, चैप्टर का नाम भी है बगल में, तो जिसने चैप्टर पढ़ रखा होगा उसको ईजी लगेगा ये स्टोरी, आप देख सकते हैं जाकर, अबाउट में नंबर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। तो देखिए 3 आपको करने हैं इसमें, जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड नन काका ऑफ सुनील गवास्कर, यानी सुनील गवास्कर को बोला गया है, शार्प ऑब्जर्वेशन पावर हेल्प द पेरेंट ऑफ सुनील इन लोकेटिंग द जो है लॉस्ट बेबी। आपको पता होगा जब माई फर्स्ट स्टेप से यह क्वेश्चन दे रखा है, तो ये चैप्टर वाइज है, पहले आपको चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने होंगे, जैसे तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इसका आंसर भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आंसर होगा इसका, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, आपको इसी तरीके से आंसर जो है देने हैं, इसलिए मैं आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ साथ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा, इसके अंदर आपको कुछ पोएम्स दे रखी हैं, जैसे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ दे रखा होगा, जैसे इसमें आपको एक पैरा दे दिया है, फिर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, ए बी सी करके कुछ क्वेश्चन दे दिए, इसमें और करके दिया रहेगा, आप दोनों में से एक कर सकते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और करके दिया रहेगा, आप दोनों में से जो है एक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इसके अंदर जो है ऑप्शन दे देगा, और करके आपको एक ही करना होगा, और पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आंसर भी किस तरीके से इसमें देना है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। सारा चैप्टर वाइज है, जिसने चैप्टर की समरी पढ़ रखी होगी, हिंदी पढ़ रखी होगी, उसको बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा आपका कितने नंबर का हो जाएगा, ये भी जो है 5 नंबर का हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, और तीसरा जो है वो तो है ही आपका, ठीक है ना, ये जो है 6 मार्क्स का, उसके बाद दूसरा जो था पहले वो भी 6 मार्क्स का था, ठीक है ना। देखिए अब आ जाएगा आपका जो क्वेश्चन है वो क्या नाम है, इसमें आ जाएगा 6 मार्क्स का, ये भी रहेगा आपका, किस तरीके से करना है वो आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। तो पांचवा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये बुक में से नहीं होगा, आपको ये पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद आंसर देना होगा, एक्यूरेट आपको आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगा के आपको आंसर दे देना है, ठीक है। तो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज का आप आंसर ढूंढ के बढ़िया तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बस उनमें ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। देखिए तो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 6 मार्क्स का है, आपको इसमें पैसेज दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है नीचे जो है दिया रहेगा, ठीक है, आंसर देना है आपको बढ़िया तरीके से। अब आ जाइए जरा छठे क्वेश्चन पर, छठा क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, देखिए थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन जो है सेकंड कैसे करना है सेक्शन बी का, वो आपको मैं बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कैसा है, ईमेल है, मेमो है और जॉब एप्लीकेशन है, बायोडाटा के साथ रिपोर्ट कैसे लिखनी है, वो सारा आपको बताऊंगा, बने रहना वीडियो के साथ। उसके बाद आता है आपका छठा क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि क्या करना है आपको इसके अंदर देखिए जरा। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी, सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपको जो है 6 मार्क्स का ये भी दिया रहेगा, आपको किस तरीके से करना है, देखिए तो कैसे कैसे करना है, 6 मार्क्स का नहीं इसमें दे रखा है आपको, 8 मार्क्स का है ये, ठीक है, छठा क्वेश्चन, ठीक है, 8 मार्क्स का रहेगा, आपको आंसर कैसे देना है, आपको पैसेज में से ही पढ़ के इसका आंसर जो है बढ़िया तरीके से आपको देना होगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से आंसर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसके बाद आंसर भी आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आंसर आपको देना है, ये पैसेज जो है ये पढ़ना है, फिर इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर आ जाता है आपका इसमें क्वेश्चन जो है, जैसे हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, सातवां आपका आ जाएगा, सातवां देखिए जरा अपने स्क्रीन के ऊपर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड
कंप्लीट द सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द पैसेज, यानी कि जो है चार नंबर का होगा ये क्वेश्चन आपका, चार नंबर का होगा। किस तरीके से करना आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कैसे आएगा। इसमें आपको ए में जैसे दे रखा है फोर डिमिनेशंस इन विच यूथ मस्ट इक्विप इट सेल्फ आर, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको इस तरीके से दे रखा है। आपको क्या करना है इसमें कि पैसेज के अंदर से ही पढ़ के, जैसे कि आपको आंसर भी दिख रहा होगा, आप आंसर कैसे कर सकते हैं इसका, जो है आंसर भी दे रखा है मैंने आपका इसमें। तो ये इस तरीके से आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा, साइड में आपको पैसेज भी दिख रहा होगा, पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा आपको सेम ये सारी चीज़ें, आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पैसेज के अंदर से ही पढ़ के ये ढूंढना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चार मार्क्स का है, बढ़िया तरीके से इसको समझ के। तो सातवां क्वेश्चन कितने नंबर का आ जाएगा आपका, चार मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है उसके अंदर। फिर आता है आठवां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, ये तो बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है जो आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक द समरी ऑफ इट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि आपको समरी करनी है। चार मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो चार मार्क्स का या पांच मार्क्स का आ जाता है समरी वाला क्वेश्चन, पांच मार्क्स का है ये। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा अपने, पांच मार्क्स का आएगा। समरी बनानी है आपको, पूरा पहले पैसेज पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, उसका जो है आपको 100 वर्ड में आपको पैसेज जो है तैयार कर देना है। पैसेज आपको सिंपली लिखना है, कोई इसमें तिगड़म पाची नहीं करनी है, सिंपल सा आप लोग लिखना पैसेज, 100 वर्ड का लिख देना, शुरू करना एक फ्रेश पेज से ही शुरू करना आप लोग, तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, पैसेज किस तरीके से करना है। कितने मार्क्स का आएगा, पाँच नंबर का आएगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ एक बार, किस तरीके से करना है। पैसेज नॉर्मल होता है, सिंपल सा, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ना जो है इसमें पढ़ेंगे, तो आप आगे पीछे की लाइनें अगर आप लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन ये नहीं कि पूरा डिटो लिख दिया, उसमें थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, जो आपको समझ में आया वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आठवां क्वेश्चन आपका पाँच नंबर का होगा, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आता है उसके बाद। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए जरा, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको लोगों में बताता रहूँगा कैसे कैसे क्या करना है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है आपका, देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर, यानी कि आपको ये चार मार्क्स का दे देगा, आपको वर्ड कनेक्ट करने होंगे। किस तरीके से करना है देखिए जरा, आपको साइड में जैसे दे रखा होगा फर्स्ट का ए, जैसे है ए का फर्स्ट है सोनू इज क्वाइट बिजी इन हिज जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज, सेकेंड दे रखा है इसी में कि ही एक्सेप्टेड, फर्स्ट का ये याद रखिएगा, ए का फर्स्ट सेकेंड दे रखा है, तो इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सोनू इज क्वाइट बिजी इन हिज प्रमोशनल एक्टिविटीज ही एक्सेप्टेड आवर, सेकेंड में दे रखा है ही एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन टू प्रेसाइड ओवर आवर म्यूजिकल जो है कंसर्ट। सिंपल सी बात है, आपको इसमें ऑल दो यूज़ करना है। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं इसका, मैंने सारा आपको आंसर दिखा दिया सामने। आंसर में क्या लिखना है, पहले का आप आंसर देखिए जरा किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आंसर आप लोग कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें। देखिए आपको क्या करना है इसमें, ऑल दो सो सोनू ऑल दो करके आपको देना है इसका आंसर। ठीक है, देखिए तो ऑल दो सोनू इज क्वाइट बिजी इन हिज प्रमोशनल एक्टिविटीज कॉमा लगा देना है, येट ही एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर आवर म्यूजिकल कंसर्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखिए, पहले वाले में ऑल दो यूज करना है, बी वाला जो है वेन यूज करना है, इसमें सी वाला जो दे रखा है उसमें एज सून एज यूज करना है। आंसर आपके बगल में ये आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन करके लिखना है। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा रहा हूँ ना, जैसे कि पेपर में आएगा तो आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, आप कर सकते हैं आसानी से। आंसर भी दे दिया है सामने, तो आपको एज एग्जाम्पल मिल गया है किस तरीके से करना है। और डी वाला जो है इसमें क्या यूज करना है आपको, हु हु, ठीक है देखिए हु यूज करना है इसमें, किस तरीके से जो है आपको जो है कर लेना है ये। तो आंसर भी मैंने इसीलिए आप लोग के सामने रख दिया है, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब आ जाते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, जो आपका 10 मार्क्स का है, ये भी आपको कैसे करना है जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड रिपोर्ट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि डायलॉग पढ़ना है और किस तरीके से जो है अपने वे में इसको बताना है। आप लोग देखिए, आंसर भी रखता हूँ सामने, क्वेश्चन भी रखता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए।
अशी कैन यू टेल मी द टेलीफोन नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अशी जो है वो चारू से मतलब नंबर मांग रही है अपने टेलीफोन मतलब टेलीफोन नंबर मांग रही है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का। तो चारू वहीं पे जवाब देता है कि वाई डू यू नीड इट, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो अब यहाँ पे आंसर कैसे देना है आपको, देखिए आशी आस्क्ड चारू इफ ही कुड टेल हिम द टेलीफोन नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चारू क्वेश्चन मार्क लगा देना है, चारू आस्क्ड व्हाई ही नीडेड इट एंड फर्दर आस्क्ड इफ एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको जो है डायलॉग के डायलॉग दे दिया गया है, आपको एक बढ़िया तरीके से इसका एक क्वेश्चन तैयार कर देना है, ठीक है ना, अपने वर्ड में एक रिपोर्ट तैयार कर देनी है इसको। तो ये कितने नंबर का आ जाएगा आपका, ये जो है चार नंबर का, दसवां क्वेश्चन जो है चार मार्क्स का आ जाएगा, आपको इस तरीके से जो है तैयार कर लेना है। आगे बस समझ में, देखिए अब आ जाता है इलेवंथ क्वेश्चन। इलेवंथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा वो आप कन्फ्यूजन में तो ना, बस आपको जो है एक फॉर्मेट पता लग जाना चाहिए किस तरीके से आपको फॉर्मेट जो है तैयार कर लेना है। इलेवंथ क्वेश्चन आता है उसके बाद, ये सब सेक्शन ए का ही है, सारा इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इलेवंथ क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। यूज द एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स गिविंग इन जो है ब्रैकेट्स, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ब्रैकेट करके दिया रहेगा, आपको नीचे डैश दे देगा, आपको इसका जो है पास्ट में ले जाना है। आपको किस तरीके से करना है, देखिए किस वे में बोला गया है, नोटिस ए डैश इशू टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स फॉर द कैंपस सेलेक्शन इंटरव्यू फॉर द शूटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन ड्रग एडिक्ट्स ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट। तो ए वाला जो है आपको इसमें इशू दे रखा है, तो वॉज इशूड हो जाएगा, वॉज इशूड, अ नोटिस वॉज इशूड टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स फॉर द कैंपस सेलेक्शन इंटरव्यूज फॉर द शूटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन ड्रग एडिक्ट्स ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स। बी करके डैश दे रखा है, तो उसमें क्या बनना है आपको, वर मेड, मेक दे रखा है, तो पास्ट में ले जाना है, टू मेक इट एन इवेंट द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, सी में आपको इनवाइट दे रखा है, तो उसमें ले जाना है, द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द इवेंट, यानी आपको पास्ट में ले जाते हुए ये बातें आपको बढ़िया तरीके से बोल देनी है, ठीक है ना। तो इसमें पास्ट का यूज करके आप वर्ब जो है वॉज, आपको वर्ब कैसे यूज करनी है वो सारी चीज आप लोग को इसके अंदर जो है बता देना है। इशूड मेड, मेक का मेड हो गया, इनवाइट का इनवाइटेड हो गया, है ना, इशू का इशूड हो गया, इस तरीके से जो है आपको जो है इलेवंथ क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तीन मार्क्स का आ जाएगा आपका इलेवंथ क्वेश्चन। चलिए बारहवां क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको ये चार नंबर का दिया रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको ये भरना है बढ़िया तरीके से। क्या करना है जरा आप लोग देखिए ध्यान से, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपको आंसर भी मैंने सामने ही रख रखा है, बढ़िया तरीके देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ए इनॉग्रेट, तो इसमें क्या होगा, ईडी लगा देना है, ठीक है, द हेल्दी चाइल्ड मेला मोर देन 80 चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स जो है बी करके दे रखा है, पार्टिसिपेट, यानी कि देखिए पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेटेड हो जाएगा, ईडी लगा देना है, पास्ट में ले जाना है, पार्टिसिपेटेड इन द जो है कंपटीशन, आशीष रॉय विन दे रखा है, तो आपको इसको वॉन कर देना है, ठीक है, डब्ल्यू ओ एन वॉन थर्ड फॉर्म, तो ये चीज है कर देना है। द विनर्स ट्रॉफी अ बिग हैम्पर ऑफ ब्राउन वीटा डैश करके दे रखा अवार्ड वॉज अवार्डेड हो जाएगा, ब्राउन वीटा वॉज अवार्डेड टू हिम जो है अहिम बाय द चीफ गेस्ट। तो इस तरीके से आपको पास्ट का यूज करके चार मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बारहवां क्वेश्चन आपको करना है, आंसर भी मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट, 13 क्वेश्चन देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पांच नंबर का होगा, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना है, जैसे आपको तीन टॉपिक दिया जाएगा उनमें से एक पर आपको जो है एनीवन दे रखा है ना, तो एक पर आपको जो है आप पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखना है, लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना होता है आपको बस, ठीक है, एक दो पैराग्राफ चेंज करते हुए आप लिख सकते हैं, पांच मार्क्स का है ना,
तो दो पैराग्राफ आप बनाकर इसमें बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं और समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें फिर, ठीक है। 5 मार्क्स का है, पैराग्राफ में कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ लिखा नहीं हुआ है ऊपर, तो आप पैराग्राफ बीचों बीच लिख देना है अपने एग्जाम सीट के ऊपर, फिर आप अपना जो है एज इट इज़ लिखना शुरू कर देना, ठीक है। पैराग्राफ में कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद 14th क्वेश्चन, क्या करना है इसमें आपको, 13 हो गया, ठीक है। 13th क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, उसके बाद आता है 5 मार्क्स का आपका लेटर लिखने के लिए आता है। राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे सजेस्टिंग वे एंड मीन्स टू मेक जर्नी कंफर्टेबल इन अनसर्व्ड कंपार्टमेंट, यू आर योगेश दत्त ऑफ लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश। देखिए 5 मार्क्स का आएगा, आपको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले यू आर योगेश करके बोला गया ना, यानी आप योगेश हो गए यहाँ पे, आपको एक जनरल मैनेजर को एक लेटर लिखना है, तो वो चीज़ बोली गई। देखिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए थोड़ा आपको आंसर की जगह जहाँ पर दे रखी है ना, वो आपको आंसर हटा देना, साइड में ही एक लाइन से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बात बताऊं, तो आपको करना क्या है, जैसे ये तो जॉब एप्लीकेशन है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेटर आप लोग जब लिख रहे हैं ना, तो सारी चीज़ जैसे कि अभी स्क्रीन पर मैंने आप लोग को दिखाऊंगा, तो उसमें क्या करना है, लाइन जो होती है आपकी, सारा जो है पार्ट इधर करना है, कुछ उधर नहीं जाएगा, सारा पार्ट इधर होना चाहिए, लाइन वाइज होना चाहिए। अब मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, आप देखिए मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। ये तो जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन को तो अभी लिखना ही है बाद में, लेकिन लेटर लिखना है उससे पहले, तो फॉर्मेट सबका ज्यादातर सेम ही होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना एड्रेस देना, यू आर योगेश करके दिया हुआ था ना, तो योगेश जो है अपना एड्रेस यहाँ पर जाएगा, अपना एड्रेस यहाँ पर देना, 3 लाइन में आएगा, ज्यादा ज्यादा नई दिल्ली वगैरह करके जो भी है आपका एड्रेस दे देना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपको यहाँ पे, एक लाइन जब आप छोड़ दोगे, उसके बाद डेट होनी चाहिए, फिर डेट बढ़िया तरीके से लिखनी है आपको यहाँ पर, देखिए जरा डेट जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, इसी तरीके से एज इट इज ऐसे लिखनी है, स्लैश करके डेट नहीं देना आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। डेट आपने दे दिया, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको आप भेज रहे हैं ना, यहाँ सेंडर होता है यानी भेजने वाला, यानी हम हो गए रिसीवर, यानी जिसको प्राप्त हो रहा है, तो जो क्वेश्चन में आप लोग को दिखा होगा वो आपको ढंग से समझ लेना, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, किस वे में आप मतलब किस वजह से आप भेज रहे हैं, क्या होगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ तैयार कर लेनी है। फिर एक लाइन जस्ट छोड़ के सर या मैम करके जो भी है, मेन बॉडी आएगा, फिर योर सिंसियरली, ये तो चलिए जॉब एप्लीकेशन का बायोडाटा, ये तो अभी हम समझेंगे, फिर यहाँ पर अपना नाम वगैरह जो है, तो ये चीज़ मेन बॉडी होगी, आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। बाकी मैं आपको एक बार जो है स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मोड़ा पुराना जो है वो है, बाकी जैसा मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया उस तरीके से करना है आपको, ये बस दिख जाएगा किस तरीके से जो है यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कंप्लीट कर लें अपना, ठीक है। उसके बाद आता है 15th क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का आता है। इसके अंदर क्या करना होगा, देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फॉलोइंग पैसेज हैज 7 मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग्स, यूज ऑफ इन अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड अदर ग्रामेटिकल इनक्रूस, स्पोर्ट द एरर एंड राइट द करेक्ट फॉर्म, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है, नीचे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ वर्ड गलत होंगे वो आपको ठीक करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए एग्जाम के अंदर आपको एक दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको सारा एग्जाम्पल के तौर पे आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। आंसर कैसे करना, देखिए देयर दे रखा है, सबसे पहले ही आपको देयर दे रखा हो, THEIR, तो THEIR आपको एरर एक तरफ से करेक्शन, ये आपको एज इट इज अपने एग्जाम शीट में लिखना है, एरर करेक्शन, सीरियल नंबर भी लिख देना बगल में, फिर आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा बढ़िया तरीके से। फिर क्या दिक्कत है, देखिए देयर है, उसको देयर को ठीक करना, THEIR देयर होना चाहिए था यहाँ पे। दूसरे में आपको विच दे रहा है, हु होगा, ठीक है, तो विच नहीं होगा यहाँ पे, हु आर होगा, विच आर नहीं होता, हु आर होता है। उसके बाद एबव दे रखा है, ABOV, तो वो आपको सही करना है, एबव लिखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद हो गया जो है आपको थॉट की स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी होगी, एरर दे रखा होगा, वो आपको सही लिखना है, थॉट लिखना है, थॉट्स हो जाएगा। आपको नीचे दे रखा, मैंने इसीलिए दे रखा सारा चीज़ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। वो पैसेज दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उसमें से जो है करेक्ट करके लिखना, करेक्शन लिखनी है उसकी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है, देखिए ये तो आपको हो जाएगा 6 मार्क्स का 15वां क्वेश्चन, फिर आता है 16 A सेक्शन में सिर्फ 16 ही क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ आप लोग ढिनचक तरीके से याद रखिएगा। फिर आता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स इन पॉइंट ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड जो है रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशन। देखिए जरा
इसमें क्या करना है आपको कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको देखिए स्क्रीन पर अब मेरे लिखे हुए नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर करना है, नोट मेकिंग करनी है आपको। सबसे पहले तो आप देखिए थोड़ा गोजामीजी हो गया इसी में, इन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नोट मेकिंग लिखना है सबसे ऊपर। कितने मार्क्स का है भाई साहब ये? 4 मार्क्स का है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपको सब हेडिंग हेडिंग देनी है, उसके बाद आपको मेक नोट्स, तो नोट मेकिंग सबसे पहले ऊपर आप लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, ए करके लाइन के इस साइड होना चाहिए टाइटल, अबव स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, मतलब जो भी है आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स लिखना है, एक लाइन छोड़ के नोट्स लिखना है, टाइटल आपको पैसेज पढ़ के ही समझ में आएगा, इस तरीके से आपको टाइटल जो है तैयार कर लेना है। आगे बात समझ में, टाइटल आप लोग तैयार कर लेंगे पैसेज पढ़ के, टाइटल आपको तुरंत मिल जाएगा। जब टाइटल मिल जाएगा फिर तो लाइफ तो जिंगल वाला हो ही जाएगी। फिर आपको क्या करना है, नोट्स लिखना है NOTES, एक लाइन छोड़ के, फिर जस्ट एक वन लिखना है, वन लाइन के उस साइड। फिर आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग में HEADING मत लिख देना, वो तो मैंने समझाने ही लिखा हुआ है। हेडिंग आपको जब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपको क्या हेडिंग समझ में आई, आप एक हेडिंग उतार दो। आगे बात समझ में, आपको एक हेडिंग उतार देनी है। आपको हेडिंग किस तरीके से देनी है, आपको जब भी हैवी वर्ड दिख रहा है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे, आपको इस पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। देखिए ये तो एक तरफ मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया, एक तरफ आपको इसका एक आंसर दे दिया कि आपको कैसे कैसे जो लिखना है, हेडिंग और सब हेडिंग कैसे लिखनी है। तो टाइटल के अंदर टाइटल डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स हो गया, ए में तो आपको क्या लिखना है कि इस तरीके से कंप्लेनिंग वर्कर, फिर आपको इसकी ये तो हेडिंग हो जाएगा, फिर सब हेडिंग लिखनी है नीचे, सब हेडिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से बी आपको करना है, यानी कि आपको सेकंड लिख लेना है, या जो भी आप नंबर वाइज इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने जो लिखा है आप इस तरीके से करिए, 1.1, 1.2, 1.3, फिर हेडिंग सेकंड लिखनी है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से आप तीन बना लेना। तीन आप बना लोगे, उसके बगल में एब्रीवेशन होती है, एब्रीवेशन जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा जो आप हेडिंग सब हेडिंग में यूज़ कर रहे होगे ना, वही आपका सेम आ जाएगा यहाँ पर, किस तरीके से करना है। तो ईटिंग यानी कि सबसे पहले आप ईटिंग लिखें, देखिए आपको जो शॉर्टकट में दे रखा होगा, जो मैंने जो है राइट साइड में लिखा हुआ है वो आपको लेफ्ट साइड में करना है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में करना है, यानी कि ईट ईटिंग दे रखा है तो EAT कॉमा लगा के जी, तो ईटिंग करना है EATING। प्लैंड दे रखा है PLAND, तो उसको प्लैंड कर देना है, ठीक है। मेडिटेशन शॉर्ट फॉर्म एक जगह है, फिर फुल फॉर्म एक जगह उसकी, जो भी फुल में आएगा वो इस तरीके से हो जाएगी। एब्रीवेशन तैयार करनी है, एब्रीवेशन भी बोल रखा है इसमें, तो एब्रीवेशन देकर आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और समरी नहीं बोल रखा है इसमें, अगर जो समरी होता है तो समरी आ जाता है तो लिख दिया जाता है, लेकिन समरी नहीं बोल रखा है इसके अंदर, तो समरी आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो सिंपल सा आपको मैंने हेडिंग सब हेडिंग भी लिखना सिखा दिया। लाइन बराबर होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग मेरे लिखे हुए देख सकते हैं, हेडिंग होनी चाहिए, फिर 1.1, 1.2, 1.3, सेकंड तो 2.1, 2.1, 2.3, इस तरीके से करना है आपको। और यही करके आपको हेडिंग सब एब्रीवेशन दे देना है, उसके बाद समरी नहीं देना, समरी के लिए आप परेशान मत होना क्योंकि आपको इसमें समरी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें सिंपल सा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको क्या करना है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। देखिए सेक्शन बी के अंदर आपको मैं यही कहूँगा ना, ऑप्शन सेकंड करिएगा। ऑप्शन सेकंड कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, उसके अंदर आपको सिंपल सा 15 नंबर का होता है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर आप ऑप्शन सेकंड करना, उसके अंदर ईमेल कैसे लिखना, ईमेल मेमो आता है, मेमो देखिए, तो 17वां क्वेश्चन जो है वो ईमेल के ऊपर है, तो 17वां क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा, ईमेल के तौर पे आपको ईमेल कैसे लिखनी है, आपको सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, टेंशन की बात नहीं है, बॉक्स बनाना है तुरंत। ईमेल जो है ज़्यादा नंबर का नहीं आती, थोड़े मार्क्स का आता है, इसलिए मेन बॉडी में आप थोड़ा सा ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने का तरीका आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो सिंपल सा आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना, नीचे का मत बॉक्स बना देना, वरना पता चले थोड़ा बड़ा हुआ तो आपको दोबारा लाइन खींचनी पड़ेगी, गलत हो जाएगा। तो आप बनाए बॉक्स, सबसे पहले आपको ईमेल लिखना है ऊपर, आपको एक लाइन तुरंत छोड़ देनी है, ठीक है। ईमेल लिख के एक लाइन तुरंत छोड़ना है, ठीक है। फ्रॉम करके यानी कि आप अपनी तरफ से भेज रहे हैं ना ईमेल, तो आपको फ्रॉम में पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ये चीज़ याद रखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है raju9860@ जो भी होगा यहाँ पे gmail.com, तो इस तरीके से कोई भी नहीं है वैसे तो, ये मैंने वो बताने के लिए बता रखा है, बस किसी की ईमेल आईडी नहीं है ये, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं अपना, यहाँ पे हो जाएगा। फिर टू करके ये सारा लाइन मत छोड़ना, इसमें टू करके जो है जहां मैंने ऐसे ऐसे दे रखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके दे रखा होगा, यहाँ लाइन छोड़नी है, यानी कि इसमें
अभी ये मैं बताऊंगा तो उसमें बताना है, यहाँ लाइन छोड़ देना एक, फिर उसके बाद शुरू करना लाइन जो ये वाली होती है ना मेन, जो आप खींच रहे हैं लाइन उसके नीचे लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट करने, टू करके आपको वहाँ की ईमेल आईडी डालनी है, जो भी दूसरा व्यक्ति होगा उसकी ईमेल आईडी डालो, फिर डेट लिखना है, डेट आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अंदर आप मेन जो मेन जो कंटेंट है आप वो लिखना है आपको सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगा रानी, डियर रानी, ओहो डियर रानी जी, देखिए तो यहाँ पे लिखना आई एम राइटिंग टू आस्क यू, मतलब आप जो भी पूछना चाहते होंगे क्योंकि आप ईमेल कर रहे हैं तो कुछ पूछने के लिए कर रहे होंगे या किसी को बताने के लिए, तो आप मेन चीज ये आपको लिखनी है, मेन बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि आप एनआईएस वाले बच्चे हैं, इसमें थोड़े मार्क्स का आता है, जब फुल ईमेल आती है तो ज़्यादा लिखना होता है, तो चार मार्क्स ही आ गई, पाँच मार्क्स ही जो भी है वो आपकी यहाँ पे थोड़े नंबर की आएगी, ये आपको करना है, ईमेल कर देनी है, ठीक है। मेन बॉडी हो जाएगा कि सिंपल सा रिगार्ड लिख के, राजू लिख के आप भेज रहे हैं ना, अपना नाम जो भी होगा अगर ईमेल में नाम दिया होगा तो लिख देना, वरना एक्स वाई जेड लिख देना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड ये लिख के जीमेल जो भी है ऐसे लिख के कर सकते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के नीचे बंद कर देना, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझा दिया है मैंने आप लोग को। फिर क्या करना है आपको, सिंपल सा जब आपने ईमेल लिख लिया, ईमेल जैसे एक मार्क्स का आ गया या जो है सिंपल सा दो मार्क्स का आ गया, है ना, तो ये चीज़ कर लेना है। देखिए उसके बाद जो मेमो होगा, मेमो आपको अगर आता है एग्जाम के अंदर किस तरीके, सेक्शन बी के ऑप्शन सेकंड के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको मेमो कैसे लिखना है। तो सिंपल सा आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना लेंगे आप, ठीक है। एक बॉक्स बनाकर आपको क्या करना है, ये सिंपल सा नीचे की लाइन मत बंद करिएगा आप लोग, एक लाइन छोड़ देनी है आपको, फिर मेमोरेंडम लिखना है, पहले मेमो लिख देना बीचों बीच, फिर मेमोरेंडम होना चाहिए, मेमोरेंडम लिखा आपने, फिर एक लाइन छोड़ देनी है टू करके, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका जो है नाम आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम करके अपना नाम लिख देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर डेट होनी चाहिए, डेट हो जाएगा, डेट लिख देना है आपको, डेट उसी तरीके से लिखना है जैसे वहाँ पे लिखवाया था मैंने, और सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के अंदर यानी क्या आप भेज रहे हैं, मेन जो पार्ट है उसका वो लिख देना आपको, और मेन बॉडी, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है इसलिए आपको मेन बॉडी में थोड़ा सा लिखना है कि आप किस लिए जो है मेमो कर रहे हैं। आपको पुराने फ़ोनों में देखने को मिल जाएगा मेमो भेजा जाता था पहले, तो मेमो होते हैं, आजकल के फ़ोन में कौन मेमो भेजता है, सिंपल ये ईमेल कर देते हैं सब, मेमो का यूज़ बहुत पहले किया जाता था, ठीक है। तो मेमो हो जाएगा आपका, मेन पॉइंट लिख देना है यहाँ पे, मेन बॉडी हो जाएगी, फिर नेम विद डेजिग्नेशन यानी अपना नाम और दर्जा देकर उसको कंप्लीट कर देना है नीचे अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद आता है इसी सेक्शन के अंदर आप लोग उस पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका बनेगा जॉब एप्लीकेशन, जैसे कि आपने देखिए क्वेश्चन बनेगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक जॉब के बारे में पढ़ा और आपको उस जॉब की नीड है, तो बोल देगा आप एक एप्लीकेशन लिखो उसके ऊपर कि हाँ आपको उस जॉब की नीड है। तो जॉब एप्लीकेशन में बायोडाटा भी आता है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, आपको आपका वहाँ पे नाम देखने को मतलब सॉरी एड्रेस देना है, सबसे पहले सेंडर यानी हम हो गए, तो अपना पहले एड्रेस देना है आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, जो भी दो लाइन में तीन लाइन में एड्रेस आएगा वो कंप्लीट करके एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़ देनी है। डेट लिखना है, डेट आपको उसी तरीके से लिखनी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के अंदर मेन चीज़ होती है वो लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन जो है छोड़ के यहाँ पे आपको सर या मैम लिखना है, ठीक है। मेन बॉडी आपकी आ जानी चाहिए कि हाँ मैं इस जो है इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या मेरी मतलब इस तरीके से जो है मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, ऐसे ऐसे लिख के आप जो है मेन बॉडी अपनी कंप्लीट करें। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब लिखा जाता ना 8-8 मार्क्स का पहले आता था, अब जो है मतलब एनआईएस वालों में कम मार्क्स का आता है, तो सिंपल सी बात है योर्स ट्रूली लिख के इसको खत्म करना है। फिर नाम वाम यहाँ नहीं देना, बीचों बीच बायोडाटा लिखना है आपको, बायोडाटा करके फिर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे, अपना नाम देना है, फादर नेम, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो चीज़ें करके आप जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं अपना, और कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आधा लिखें, फिर उसके बाद XX अपना नंबर जो है दे सकते हैं, ठीक है, फुल नंबर कभी मत देना। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, इस तरीके से आपका जो है सेकेंड पार्ट मतलब ये जो ऑप्शनल सेकेंड सेक्शन बी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है आपका ये जो मेन चीज़ें बताई गई हैं वो सारी आप बता सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो टोटल 21 क्वेश्चन बनते हैं आपके आपके इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। सेक्शन ए में आपका लगभग जो है 16 क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन बी से 17, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से आपको जो है इसमें बना देना है। बाकी जो है मैं इसकी पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा,
जो भी आपका जो हिंदी 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 जो है हर चैप्टर की मैं आप लोग को भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसकी स्टोरी समझ सकें। और जितना भी है, पहले तो आप ये वीडियो ढंग से देख लें ताकि आपको फॉर्मेट पता लग जाए, फिर जाकर आप लोग वो जो पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूँ वो आप देखिएगा, उससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या कैसी लगी। इसी तरीके से आपका एग्जाम आएगा। और देखिए, मैं आपको भेज दूंगा सारी चीज़ें, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें, पीडीएफ भेज दूंगा, हिंदी टू हिंदी सारी चीज़ें पढ़ लें, ताकि आपको स्टोरी जब समझ में आ जाएगी ना तो आप वहाँ बढ़िया तरीके से बना लेंगे। चैप्टर बता दूंगा आपको किस चैप्टर से है, जो कौन सी चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके बाद मैराथन पेंटिंग की रखूँगा मैं, मैराथन क्लास होगी पेंटिंग की, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा बढ़िया तरीके से। आप लोग तैयार रहें और मस्त रहें और खाते पीते रहें और 7th क्लास को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।